आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईपीएल 2024 को लेकर के यहां पर कई बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। बात करें गुजरात टाइटंस की तो गुजरात टाइटंस को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। गुजरात टाइटंस की टीम एक विस्फोटक बल्लेबाज को ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स को दे सकती है। जानेंगे कौन है ये बल्लेबाज। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 का सीजन होने में तो अभी काफी लंबा वक्त बचा हुआ है, इसके बावजूद कई टीमों ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। यहां पर गुजरात टाइटंस को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो आईपीएल 2023 में एक बार फिर से गुजरात टाइटंस ने कमाल का प्रदर्शन किया था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम एक बार फिर से फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि इस बार गुजरात की टीम फाइनल जीतने से चूक गई। फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को मात दी थी। आपको बता दें इससे पहले गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पहले ही सीजन में खिताबी जीत हासिल की थी। गुजरात टाइटंस की टीम अभी आईपीएल में सिर्फ दो ही साल से जुड़ी है और लगातार दो सालों तक वो फाइनल तक पहुंची है। निश्चित तौर पर गुजरात टाइटंस एक मजबूत टीम मानी जा रही है और आईपीएल 2024 में एक बार फिर से प्रबल दावेदार होगी। आईपीएल 2024 से पहले यहां पर गुजरात टाइटंस को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहां पर गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस से डेविड मिलर को ले सकती है। डेविड मिलर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। डेविड मिलर ने अभी तक आईपीएल में कुल मिलाकर 121 मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने लगभग 37 की औसत से 2700 से अधिक रन बनाए हैं। आपको बता दें डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट लगभग 140 के करीब है। डेविड मिलर अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हुए तो निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी काफी मजबूत होगी। डेविड मिलर न सिर्फ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्कि बतौर मैच फिनिशर भी खेल सकते हैं। खैर, ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि गुजरात टाइटंस की टीम डेविड मिलर को लेकर के ये बड़ा ट्रेड करती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस को डेविड मिलर को रिलीज करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।